शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का बचाव किया है। सामना के जरिए शिवसेना ने कहा है कि परमबीर सिंह को हटाना ये साबित नहीं करता कि वो गुनहगार है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने यह भी कहा कि दिल्ली में बैठी एक विशिष्ट लॉबी का परमबीर पर गुस्सा था क्योंकि वो कई अहम केस संभाल रहे थे। अब नए पुलिस कमिश्नर को साहस और सावधानी से काम करना होगा, ये भी कहा गया है शिवसेना के मुखपत्र सामना में। आपको बता दें कि 17 मार्च का वो दिन था जब ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था, उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। और ये जो कार्रवाई हुई थी वो सचिन वाजे और अंबानी केस से जुड़ी हुई बताई जा रही थी, आपको बता दें। और उसी के बाद शिवसेना के मुखपत्र में ये बड़ा अहम बयान आया है जिसमें कि परमबीर सिंह का पूरी तरीके से बचाव किया गया है और ये भी कहा गया है कि दिल्ली में बैठी एक लॉबी परमबीर सिंह के काम से नाराज थी। मयूरेश हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मयूरेश, बड़ी टिप्पणी तो की गई है सामना में परमबीर सिंह को लेकर, पूरी तरीके से उनका बचाव भी किया गया है, मगर जिस विशिष्ट लॉबी की बात कर रहे हैं सामना में उसके बारे में अगर बात की जाए तो इससे शिवसेना पर भी सवाल उठता है कि क्या उस लॉबी के दबाव में आकर परमबीर सिंह पर कार्रवाई की गई थी? बिल्कुल, अगर हम कल का बयान देखें अनिल देशमुख का, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये जो तबादला किया गया है वो बहुत ही सीरियस विषय पर तबादला किया गया, ये रूटीन तबादला नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन जिस प्रकार से सामना ने परमबीर सिंह को डिफेंड किया है, उनके डिफेंस में वो आए हैं, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं परमबीर जो है वो दिल्ली में बैठे एक लॉबी के शिकार भी हुए हैं, जिनके हाथ ये जिलेटिन स्टिक वाला इशू जो है वो आया। और उसके बाद विदाउट एनी एक्सक्लूजन उन्होंने कहा कि कोई भी धमाका ना होते हुए पूरा मुंबई पुलिस जो है उनको इसका धक्का सहन करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वो अभी भी परमबीर सिंह को डिफेंड कर रही है। आपको याद, अगर आपको हमारे दर्शकों को बता दें कि उद्धव ठाकरे ने ये सीधे तौर पे कहा था असेंबली के लास्ट दिन पे, आखिरी दिन पे, कि अगर किसी भी ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट अगर इन दोनों केस में कहीं होगा तो बिल्कुल उनका तबादला किया जाएगा। अब सवाल जो है वो परमबीर सिंह पे है कि उनका जिस प्रकार से तबादला किया गया है, क्या कोई कनेक्शन सामने आएंगे या नहीं आएंगे, वही देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात यह भी है कि जैसा कि मयूरेश बता रहे थे कि कल ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह पर सवाल उठाए थे और आज ये बड़ा बयान आया है शिवसेना के मुखपत्र सामना में। और जिस तरीके से बचाव किया गया है उससे भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया मयूरेश फिलहाल इस जानकारी के लिए।